नमस्कार, न्यूज आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्वेता। कल कांग्रेस के कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर शानिमोल उस्मान, APRO प्रदीप कुमार, अध्यक्ष रंगलाल हल्दार और सेक्रेटरी इंचार्ज संजीव मंडल मौजूद रहे। इस कॉन्फ्रेंस में शानिमोल ने कहा कि January 4 को वे और प्रदीप कुमार आए थे, तब से गांव गांव जाकर मेंबरशिप ड्राइव कर रहे हैं और साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं। उनका लक्ष्य है कि इस बार 1,00,000 मेंबरशिप पूरा करेंगे। उन्होंने मीडिया कर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों के भी जवाब दिए। आप तक को नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस के सभापति के नाते मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे देश में तथा अंडमान निकोबार आइलैंड में हमारे संगठन के जो है चुनाव होने जा रहा है। इसलिए हर क्षेत्र में अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर में आपका कैंबल बे से लेके दिगलीपुर तक सारे जगहों पे मेंबरशिप ड्राइव हो रहा है। हालांकि ये परिस्थिति ऐसा है कि हमारे PBMC और PRI के इलेक्शन चल रहा है, पर भी हमारा जो संगठन का जो इलेक्शन और ये जो मेंबरशिप जो ड्राइव है ये चल रहा है। हमारे इसको देख रेख के लिए AICC से अपॉइंटिंग हुआ है सोनी मोल मैडम जी, जो हमारे प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर्स, और प्रदीप सर ARO असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स, दोनों आज हमारे बीच हमारे प्रदेश कांग्रेस के ऑफिस में मौजूद है। मैं उनको स्वागत करता हूँ और उनसे मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। नमस्कार। हमारे साथ हमारा PCC का अध्यक्ष रंगलाल जी और मेरा साथी संजीव मंडल, अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी इंचार्ज फॉर द पार्टी इलेक्शन। सो वी आर वेरी हैप्पी टू मीट द प्रेस ऑफ अंडमान टुडे। What our president already briefed, that we have been appointed by Congress President Srimati Sonia Gandhi ji as the Pradesh Returning Officer and Assistant Pradesh Returning Officer. And we came here on 4th February. And the same day we had a very good PCC General Body meeting. PCC प्रेसिडेंट चेयर्ड ऑन दैट मीटिंग। हम तो क्या करने के लिए इधर आया ऐसा है, हमारे पार्टी का आंतरिक चुनाव के लिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया में ये पार्टी का इंटरनल इलेक्शन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। हमको ये सितंबर में ये पूरा कंप्लीट करना ही है। March 31st को हमारा ये मेंबरशिप ड्राइव का डेट क्लोज करेगा, वो March 31st। हमको मालूम है अंडमान निकोबार में अभी लोकल बॉडी का इलेक्शन हो जाते हैं। हमारे पूरा देश में भी कई कई राज्यों में अभी जनरल इलेक्शन भी हो जाते हैं, तो हमको लोकल बॉडी इलेक्शन पे और जनरल इलेक्शन पे ये आंतरिक चुनाव का कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। तो हम 4 तारीख से हम घूमते हैं कैंपेन करने के लिए। 4 तारीख को अच्छा वाला एक जनरल बॉडी इधर था, पूरा हमारा रेस्पेक्टेड MP, हमारा रेस्पेक्टेड कैंपेन कमेटी चेयरमैन, सब लोग वो इसमें आए थे, और पूरा PCC का ऑफिस बैरस PC और अभी तो पंचायत प्रमुख और सब लोग आए थे। इसके बाद हमको सेकेंड डे ऑन फिफ्थ एक मीटिंग PCC अध्यक्ष ने बुलाया, PCC प्रेसिडेंट और मैं और APRO और MP एंड कैंपेन कमेटी चेयरमैन। इस मीटिंग पे PCC सेक्रेटरी मिस्टर संजीव मंडल को ACC के निर्देश पर हमारा वो चुनाव के लिए
संगठन का चुनाव के लिए ऐसा अपॉइंट किया है एज अ स्पेशल डायरेक्शन फ्रॉम द पोस्ट इंचार्ज ऑफ संगठन का इलेक्शन का इंचार्ज है अंडमान का पूरा है ना सेक्रेटरी इंचार्ज सेकेंडरी इंचार्ज अंडमान ओ इसके बाद संजीव मंडल जी हम सब लोग पीसीसी के निर्देश पर डिस्कशन पर हम पूरा अंडमान घूमने के लिए और कैंपेन करने के लिए प्रोग्राम भी बनाया हम वही दिन बॉम्बे फ्लैट बिम्बलीगंज और तुष्णाबाद में हमारा अच्छा ब्लॉक लेवल मीटिंग पे गए थे अभी लोकल बॉडी चुनाव हो जाते हैं इसके बीच में भी हमारा पार्टी का मेंबर्स इस मीटिंग पे आए थे और इसके बाद हमने अभी क्या करते हैं कि हमने मिडिल और नॉर्थ 17-19 हमने पूरा घूमा दिगलीपुर में गए थे कालीगढ़ दिगलीपुर बाराटन बेटापुर माया बंदर रंगत तो हमारा अध्यक्ष का प्रदेश भी है और पूरा 6 ब्लॉक में हमने घूमा हमारा अच्छा कैडर से वहाँ वो इस पे आए थे इलेक्शन का हमको मालूम है वो लोकल बॉडी इलेक्शन का किसी टेंशन भी है टाइम भी नहीं है फिर इसके बीच में हमारा पार्टी का आंतरिक चुनाव तो बहुत ज़रूरत है इसके लिए सब लोग आए थे तो मेंबरशिप का अभी कैंपेन पूरा जगह में हो जाती है हम भी उधर जाती है अभी आज भी हमको 3-4 मीटिंग है हम जाएंगे इसमें हम आप लोगों से आपको हमको यही है हमारा रिक्वेस्ट हमारा पार्टी का क्योंकि हमारा पार्टी तो वर्ल्ड में एक बिगेस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस का हिस्ट्री भी ऐसा है इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है हमारा विचारधारा में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी है बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स जो सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी सो वी आर गोइंग टू प्रोपेगेट इन एंड अराउंड अंडमान फॉर दिस दे हैव टू गेट द मेंबरशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड we got the schedule up to 31st March only. 31st March it will be closed. The membership will be closed on 31st and after that at the beginning of April we will get the next schedule to how to go for the next election process. Definitely we will go and also I'm sure the membership will be doubled in Andaman. Kya wo dohara karne ke liye hum pura log पीसीसी अध्यक्ष को भी बहुत बिजी शेड्यूल इसके बीच में भी वो भी पूरा अंडमान में वो डबल करने के लिए काम करते हैं पीआरओ और एपीआरओ इसमें तो पूरा सेटिस्फाइड है पीसीसी और कैंपेन कमेटी चेयरमैन और एमपी पूरा टॉलेस्ट लीडर्स हमसे अच्छी तरह कोऑपरेट करते हैं वो नीचे तक वो इसका पार्टी का चुनाव का मैसेज भी देते हैं वो हमको पूरा अंडमान का जनता को ये सब समझाने के लिए आपसे बुलाया धन्यवाद मैडम जब आप लोग हमें बुलाया तो अटलीस्ट हम लोग भी थोड़ा सवाल करना चाहेंगे आपसे क्या जैसे कि पिछली बार कितने मेंबरशिप ड्राइव हुए थे वो पिछली बार के बारे में हम तो कुछ अथॉरिटी हमको नहीं है हमको तो नहीं अब तो वो तो 5 साल के पहले है ना वो 5 साल के पहले क्या होता है क्या वे इसमें तो आई है आपको अपॉइंट किया है बहुत बड़ा जिम्मेदारी हम तो हम 4 तारीख को आई है और सारे इंटरव्यू में लोगों से वो 2017 में वो तो नियरली 30,000 एबव बट वी आर अभी तो हमको तो कुछ अथॉरिटी नहीं है वो इसमें बता सकते हैं कि अभी कितना मेंबरशिप 1 लाख हम अभी तो 1 लाख टारगेट रखते हैं 1 लाख के अबव है हमारा टारगेट यस नहीं अभी तो कितने बुक्स इशू वो बुक टाइम नहीं क्लोज नहीं किया तो हमको अभी बताना नहीं सकते हमको अभी तक कितना किया अभी नो अभी हमको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस फिल भी आफ्टर ऑल्सो वी विल कॉल द प्रेस कॉन्फ्रेंस फॉर
गिविंग द डिटेल्स ऑफ द बुक्स. देखिए अभी मेंबरशिप के बारे में बात करते हैं तो जनता तो ये है, हमको तो पूरा घूमना है. पहले हमको पूरा घूमना है, पूरा ब्लॉक में घूमना है, इसके बाद ही हम बोल सकते. अब कितना प्रेशर करते हैं हमको अभी, कितना प्रेशर करते हैं हमको, बोल नहीं सकते. किंतु हमको तो एक वो हम बताएंगे मार्च 31 के बाद भैया, हम बताएंगे 31 के बाद. अभी ये बोलना हमको, हमारा टारगेट तो 1 लाख के ऊपर है, 1 लाख के ऊपर है हमारा टारगेट. किसी मेंबरशिप बुक देंगे, अभी कितना दिया और कितना है हमको मिलना है वो सब हमको मार्च 31 के बाद. हम तो पीआरओ है ना, हमको डायरेक्शन भी है, वो हम बताएंगे. जिम्मेदारी है, इसलिए हम बताएंगे भैया, हम बताएंगे. हमारे पास पूरा है रिकॉर्ड से, पर हमको अभी बोल नहीं सकते. हमको भी थोड़ा डायरेक्शन है ना, हमको तो पूरा घूम करके हमको 31 को तो बता दीजिए मैडम. आपको इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया तो आप ये जो चुनाव है वो लोग जो चाहते, जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते है, ये है कि आप ईमानदारी के साथ में उसको निभाएंगे. जो काम आपको दिए है तो आप ईमानदारी के साथ निभाएंगे. वही पूछना चाहेंगे आपसे. हम तो जी, हमको तो हम कमिटेड कांग्रेस वर्कर्स हैं जी. मैं और प्रदीप जी ने, हम तो कमिटेड कांग्रेस वाले नीचे से आने वाले हैं. तो हमारा ये अपॉइंटमेंट तो हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट, कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी और हमारा इलेक्शन कमेटी का चीफ इलेक्शन अथॉरिटी मिस्त्री जी ने हमारे अपॉइंटमेंट दिया है. हम तो पूरा कमिटमेंट से ये पूरा क्लोज करके, कितना डेमोक्रेसी इसमें आता है वो पूरा करके हम. रंगला जी अभी प्रेसिडेंट बने हैं, इनका नेतृत्व में जो अभी मेंबरशिप ड्राइव हो रहा है और आप भी इसमें बहुत आगे आके जो है काम कर रही है, तो ये बताइए इनका नेतृत्व में मेंबरशिप ज्यादा होगा या पहले से कम होगा या ज्यादा होगा, इसके बारे में क्या बता रहे हैं? अभी तो रंगलाल जी के बात नहीं है, वो पीसीसी प्रेसिडेंट के नाम से हमारा ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट है. रंगलाल जी एक कर सकती है, वो करता है, नेतृत्व है. अभी तो हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट के नेतृत्व में विश्वास करके हम इधर आए ना, वो तो अभी को आपसे बुलाया, हम करते हैं. मैडम बहुत सारे सवाल है, थोड़ा सा अगर जनता से की अभी बात ये ना मैडम, हम इसलिए सवाल पूछ रहे हैं आपसे क्योंकि चुनाव नजदीक है. कांग्रेस के अंदर में ऐसा चल रहा है कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन एक तरफ और एमपी दूसरी तरफ काम कर रहा है. ठीक है मैडम, चुनाव से भी रिलेटेड क्योंकि आपके आपको जो संगठन को मजबूत करने के लिए भेजा है यहाँ पे, आपको ऊपर ही पूरा दायित्व है कि आप संगठन को यहाँ से किसके हाथ में देके जाएंगे, क्योंकि मेन रोल आपका है. ही हम तो चुनाव के लिए, संगठन का चुनाव के लिए आए हैं, फिर भी मैं इस पर उसको एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन आई से दैट्स ऑल इज नथिंग. दे आर ऑल पीसीसी प्रेसिडेंट एंड कैंपेन कमेटी चेयरमैन एंड ऑल्सो रेस्पेक्टेड एमपी, दे ऑल आर टुगेदर दैट आफ्टर द इलेक्शन यू विल सी वॉट आई एम टेलिंग नाउ. वी विल विन इन दिस इलेक्शन. In the local body election, Congress is going to make a good margin here and we will win in the territorial, this committee and also in the panchayats. They are together. No, nothing. इसमें तो कुछ नहीं है, वो तो वो पूरा दूसरे आदमी लोग कहते तो हम क्या करेंगे, हम तो एक ही है. मैडम बात तो सही है, जैसे कि पहले जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे वो 17 साल एक चेयर में बैठे थे और 17 साल में हम आपको ये बताना चाहेंगे आपका पार्टी से कई लोग छोड़ के जा रहे हैं. उस तो आपको उसके बारे में डिटेल्स है कि नहीं पता नहीं, कई लोग आपका पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं. इसका रीजन ये है 17 साल जो प्रेसिडेंट बैठे थे उनके पास में सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट का पद नहीं था, बहुत सारे पद लेके बैठे थे. जैसे कि कोऑपरेटिव यूनियन में चले जाइए, चेयरमैन कुलदीप राय शर्मा जी है, आज भी है, एमपी है आज के डेट में. अभी एमपी बनने के बाद में जो ये जो है कोऑपरेटिव बैंक में वाइस चेयरमैन कुलदीप राय शर्मा जी है, इसमें तो जितने भी कार्यकर्ता है ये जानना चाहते, जैसे कि
आज भी जितने यूनियन आप पता करके देखिए, कुलदीप राय शर्मा जी उनका वो तो बाकी आपके ए, 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 भाई आप, करता है, ए, उनको कोई पद नहीं मिलेंगे, सारा पद अगर आप सुनिए, आप सुनिए, ये तो हमारा अथॉरिटी नहीं है, सबको हम क्या हम नहीं संगठन को संगठन को मजबूत करने के लिए हम डिसीजन हमारा है, वो पीसीसी प्रेसिडेंट कुलदीप राय शर्मा और कैंपेन कमेटी चेयरमैन वी तीनों इसके साथ बैठकर संगठन को मजबूत करने के लिए कितना अच्छा प्रोग्राम भी हमने बनाया। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हो तो अच्छा नहीं है। एक लास्ट सवाल, एक ही सवाल पूछेंगे, पिछले बार जो मेंबरशिप ड्राइव हुआ था भैया जी, आपके लिए भी है, आपको भी मालूम होगा क्योंकि आप यहाँ का सेक्रेटरी इंचार्ज है, तो ये सवाल है मैडम कि पिछले बार जो मेंबरशिप ड्राइव हुआ था उसमें से मेंबरशिप को बुक्स को जलाया गया, वो वीडियो हमारे पास अभी भी है, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? वो तो हमको तो अपॉइंट किया है ऑन कितना 27 जनवरी 27 को हमको अपॉइंटमेंट लेटर मिला। इसमें कुछ नहीं है, हमारा पार्टी में अच्छा तरह हमारा पार्टी अभी इलेक्शन भी फेस करेंगे ये लोकल बोर्ड इलेक्शन पे। ये तो आप लोगों का मन में है इतना क्वेश्चन, अब तो मीडिया पर्सन है और रेस्पेक्ट यू, बट दिस विल नॉट अफेक्ट अवर पार्टी, वी आर ऑल टुगेदर वी आर गोइंग, यू कैन नॉट मेक एनी डिविजन इन अवर पार्टी। सी वी आर अपॉइंटेड ओनली ऑन 2022 जनवरी 28, so we are supposed to look after the things coming only after that, so we are very confident that we will go together and we will win in the local board election, also we will get a good margin in the coming 2024 election also. Okay, namaste. Namaste, namaste. अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, आप सच देखेगा अंडमान।